वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें परसेंटेज का पार्ट 8 सेशन है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका बना चुका हूं। अगेन मैं बता दूं आपको, मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं ताकि आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े कॉन्सेप्ट पर्पस से। डेली आपको 5 वीडियो मिल रही है जिसमें से 3 वीडियो अर्थमेटिक की एंड 2 वीडियो एडवांस मैथ की। इस तरह से 70 × 5 यानी 350 प्लस वीडियो में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्री और मेंस दोनों लेवल का। ठीक है, अगर आप भी इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे करके आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। भाया पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं और SBI अकाउंट के थ्रू भी पे आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पे आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड होगी। सेकंड में PDF बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ। थर्ड आपको PDF प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगी एंड फोर्थ आपको डाउट ग्रुप भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगेन बता दूं ये सारे टॉपिक्स जो मैं लिखा हूं अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो आपको भी ये वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इजीली वे से। देर नहीं करते हैं, ये भी देखो इस टाइप से है टाइप एट में ये भी मैंने मेंस के क्वेश्चन उठा रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्टार्ट ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट RS इतना फॉर 3 मंथ, बी ज्वाइन इतना। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्टार्ट बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इतना, आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइन इतना। मतलब पहले ए स्टार्ट कर रहा है कोई बिजनेस 37,000 रुपये लगा रहा है, उसके 3 महीने बाद क्या कर रहा है बी ज्वाइन कर रहा है 25,000 रुपये लेके आता है। एट द एंड ऑफ द ईयर इफ बी गेट 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो। रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दे रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट रेशियो में बांट दे रहा है, नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्या होगा उसके इन्वेस्टमेंट ना होके यहां पे लिख देना प्रॉफिट, देयर प्रॉफिट रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, यहां पे भी उसके लाभ के अनुपात में, ठीक है यहां पे ये लिख लेना लाभ में बांट दिया गया। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी इज इतना रुपए, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए, तो ए का प्रॉफिट ज्ञात करना है। ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले आपको देखो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो परसेंटेज मेथड होता है और दूसरा होता है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे सुटेबल है परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शन मेथड भी आसान है। वो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वहां पे आपको दिखाऊंगा क्यों हम परसेंटेज मेथड को वहां पे इग्नोर करेंगे और रेशियो मेथड यानी फ्रैक्शन मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था कॉन्सेप्ट बताया था, एक मैंने बताया था कि वर्किंग पार्टनर होता है और दूसरा क्या होता है स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर क्या करता है, इन्वेस्ट भी करता है, पैसे लगाता भी है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको बिजनेस को मैनेज करता है। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर ओनली फॉर इन्वेस्ट करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ कि ए निवेश इतना रुपए एक व्यापार में करता है और 3 महीने बाद बी इतना रुपए निवेश करता है। देखो मैं बात कर रहा हूँ ए की और बी की। ए कितना निवेश करता है 37,500 और बी कितना निवेश करता है 25,000। ठीक है, साल के अंत में बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ का इतना परसेंट बाजार व्यापार चलाने के एवज से प्राप्त होता है, मतलब उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ये क्या कहलाएगा वर्किंग पार्टनर। और बचा हुआ लाभ उनके और बचा हुआ लाभ जो लाभ बचा उनको उनके लाभ के अनुपात में उनको सॉरी यहाँ पे मैं एक सेकेंड क्वेश्चन और बचा हुआ लाभ उनके कुल लाभ यहाँ पे लिख लो उनके देयर प्रॉफिट रे उनके देयर प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द देयर टोटल प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट रेशियो जो बचा हुआ उनके लाभ के अनुपात में बांट दिया गया, या इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, कोई डजंट मैटर, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बी का कुल लाभ 18,000 रुपये है तो ए का लाभ ज्ञात करो। देखो आप सोचो कि ये तो 12 महीने तक लगाया ही लगाया पूंजी, क्यों, क्योंकि इसने छोड़ा वगैरह कुछ नहीं, लेकिन बी क्या 3 महीने बाद आया, यानी टोटल साल में 12 महीने हो, तो 3 महीने बाद आया था, यानी ए के 3 महीने बाद आया था, यानी 3 कम कर लो यानी कि 9 महीने तक ये यूज किया,
यानी मैं अगर इसका रेशियो निकालूं, ठीक है, ये जीरो से दो, जीरो से दो जीरो कैंसिल, 125 दूनी 150, 125 तिया 375, 3 से तितली के 9 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी ये 2 हो गया, यानी ए इज टू बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 2:1, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लेना, कुल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में बांट दे जाए, बचा हुआ चीज टोटल प्रॉफिट में बढ़ता है, ठीक है, उनके देयर प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है, बढ़ता है, यहाँ पे लिख लेना कि कुल लाभ के अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अब देखो ध्यान दो, हमारे पास कोई चीज़ 100% की बात करें तो 100% है, उसमें से 25% क्या कर रहा है, टोटल 100% है, 100% में से 25% क्या कर रहा है, ए निवेश ले रहा है, मतलब ए बी, बी के बारे में बात किया जाए, इफ़ बी विल गेट 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट मैनेजिंग, मैनेज करने के लिए, यानी 20% ये ले लिया, बी ले लिया, तो बचा कितना, सॉरी 25% ले रहा है ना बी, 25% बी ले रहा है, तो बचा कितना, 75%। अब इस 75% बचा उसको क्या कर रहा है, उसके लाभ के अनुपात में बांटना है, लाभ कितना है, 2:1 के अनुपात में बांटना है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, यानी इसकी वैल्यू 2 यूनिट है, तो यानी 50, और ये कितना हो जाएगा, 25, यानी ये 50% हो गया, ये 25% हो गया। अब ए है और ये बी है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ए कितना है, ए है 50% प्रॉफिट, बी का देखो, बी को 25% तो ये तो है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए 25% एक्स्ट्रा भी मिल रहा था, उसने ले रहा है, यानी ए का कितना हो गया 50% और बी का भी कितना हो गया 50%। इनके ए और बी का रेशियो निकालें, ए इज टू बी का रेशियो तो कितना हो जाएगा, 1:1, इसके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 1:1। अब क्वेश्चन देखो, ख्याल करो, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ बी इज 18,000, बी का 18,000 प्रॉफिट है, कितना गुना है, 18,000 गुना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो ए भी उतना ही है एक यूनिट, यानी 18,000 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ए का भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, इसको हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इतना एंड इतना रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ए विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द मैनेजिंग द बिजनेस एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिफरेंस क्या है, उसमें टाइमिंग गिवन थी, इसमें टाइमिंग गिवन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से देखो, इफ ए विल गेट 220 रुपए मोर देन द प्रॉफिट ऑफ बी, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी, क्वेश्चन जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे, ए और बी क्रमशः इतना रुपए इतने रुपए निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। लो जी, ए क्या कर रहा है 28,000 रुपये लगाता है और बी क्या कर रहा है 21,000 रुपये लगाता है। देखो हमें पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट, टाइम नहीं गिवेन है ना, इसमें टाइम ये नहीं मेंशन है इतने समय के लिए इतने समय के लिए, तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा। 3 0 से 3 0, 7 4 28, 7 3 21, 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, इतना, और यही क्या होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, ये इसको प्रॉफिट बोल लो चाहे इन्वेस्टमेंट बोल लो। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ए विल गेट 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मान लेते हैं कि 100% कोई चीज थी, उसमें से 20% किसको मिल गया, ए ने अपने को ले लिया, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ए को कुल लाभ का 20% चलाने के एवेज में प्राप्त होता है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इसलिए उसने 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है, और बचा हुआ लाभ उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है, और बचा हुआ लाभ कितना, 80% बचा, 80% को किस में बांटना है, उसके निवेश, निवेश यानी ये इन्वेस्टमेंट रेशियो भी हो जाएगा, इसी को बोल सकते हैं प्रॉफिट रेशियो भी, क्योंकि टाइमिंग क्या सेम है, किस में बांटना है, 4:3 के अनुपात में, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80, ये परसेंटेज 700 का 80%, 20 यूनिट भी मान सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, 80 यूनिट, क्योंकि 100 का 20% यानी 20, ठीक है, 80, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट 80/7, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4:80/7, और ये कितना हो जाएगा, 3:80/7। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, ए को कितना मिला, 4:80/7, 4 का मतलब कितना, 4:80 यानी कि 320/7, लेकिन उसको और भी तो 20 एक्स्ट्रा मिला है मैनेजिंग करने के लिए बिजनेस को, तो 20 एक्स्ट्रा मिला है। और बी की बात करें, देखो बी के बारे में बात करें, तो बी देखो, बी है आपको
तीन यूनिट, बी का कितना है 3 यूनिट, यानी ये निकल गया 240/7, 240/7 अगर मैं इसको जोड़ूंगा 320 प्लस 140 एलसीएम लेके साथ, यानी कितना हो जाएगा 4 × 2 = 300, 400, 460/7 हमारे पास। देखो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको इरेज करके समझाना चाहता हूँ, देखो क्या है। हमारे पास क्या मिल गया, ए मिल गया कि 460/7 और बी का क्या मिल गया इतना, ए की प्रॉफिट कितनी मिल गई 460/7 और बी के कितनी मिल गई 240/7। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारे पास कि अगर ए को बी से इतना रुपया अधिक मिले, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस घटा लें, 460/7 − 240/7 कितना हो गया 220/7 यूनिट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है, क्यों कितना है 220 रुपया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरे को आपसे इतना रुपया ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का गैप कितना है उतना ही रुपया, यानी 220 रुपये। अगर मैं एक यूनिट निकालूँ तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बी की यूनिट, बी की कितनी है 240/7 यूनिट, तो 240/7 इंटू क्या 7, एक यूनिट की वैल्यू इतना, तो इतना यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 7, यानी कितना हो गया 240। 240 क्या हो गया इतना रुपये बी का लाभ हुआ। अगर ए का लाभ पूछता तो कितना हो जाएगा 460/7 इंटू क्या, ये 7 यूनिट है तो 7 से कैंसिल कर लेते, यानी कितना हो जाता 460 रुपये ए का हो जाता, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था बी का, इसमें पूछ रहा था, ठीक है, तो बी का आसानी से निकाल दिए। ये तो रहा आपको परसेंटेज मेथड, फ्रैक्शन मेथड यानी रेशियो मेथड इससे आसान हो सकता था इस क्वेश्चन के लिए। देखो रेशियो मेथड हम कैसे यूज करते हैं, हमारे पास देखो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ है 28,000 × 21,000। आपको ये तो पता चल गया ना कि 7 × 4 = 28, 7 × 1 इन्वेस्टमेंट रेशियो यही होगा और यही क्या हो जाएगा प्रॉफिट रेशियो। क्यों, क्योंकि टाइमिंग नहीं गिवेन है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट, टाइम क्या है यहाँ पे टाइम आपको मेंशन नहीं है, तो टाइम अगर मेंशन नहीं है तो यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं बताया था उसको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। अब आगे देखो, ध्यान से देखो, इसके बाद आपको क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% क्या ले रहा है, ए ले रहा है टोटल प्रॉफिट का, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। देखो इधर टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट है 7 यूनिट और इधर कितना है 5 यूनिट, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है एक्चुअल, यानी 20% ऑफ द टोटल, यानी कि 5 में से 1 हिस्सा ए का है, यानी टोटल कितना है 5 यूनिट। अब देखो इधर 7 यूनिट है प्रॉफिट, इधर 5 यूनिट है, इक्वल बना दें, 5 और 7 को इक्वल कब बना सकते, इनका एलसीएम ले लें या इनकी मल्टीप्लाई कर लें 5 और 7 का, यानी कि कितना हो गया 35, यानी टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया क्या है, टोटल प्रॉफिट 35 है, टोटल प्रॉफिट क्या मान लिया हमने 35, तो 35 का 1/5 कौन ले रहा है आपको, ए ले रहा है, यानी 7 यूनिट ए कितना ले लिया 7 यूनिट ए ले लिया, ये 7 हो गया ना, तो टोटल है कितना 35। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बचा हुआ, ध्यान से देखो, बचा हुआ प्रॉफिट दोनों में बांटना है, ए 7 यूनिट ले लिया 35 में से 7 ले लिया, कितना बचा 28, 28 को किस में बांटना है उसके इन्वेस्टमेंट के आधार पे, यानी 4:3 में बांटना है, 4:3 में बांटना है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16 और इसकी कितनी हो गई 3 यूनिट की 12, यानी कि आपको ए को 12, 16 तो मिला ही मिला, 7 रुपया उसको मैनेज करने के लिए भी मिला था एक्स्ट्रा, यानी 23 यूनिट हो गया। बी को कितना यूनिट मिला 12 यूनिट मिला, सिर्फ 12 यूनिट बी का है। अब ध्यान से देखिएगा दोनों के क्वेश्चन कर रहा है, इफ ए विल गेट 220 प्रॉफिट देन बी, बी को ए से क्या है 220 रुपये ज़्यादा मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 11 यूनिट और यही तो क्वेश्चन में गिवन है 220, तो 11 × 2 कितना हो गया 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20। हमसे पूछ क्या रहा है बी का कितना यूनिट है 12 यूनिट, तो 12 × 20 यानी कितना हो गया 240। तो आपको यहाँ से भी आ गया, ये मेथड आपको आसान पड़ जाएगा। दोनों जानना है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस, आपकी कौन सी किस पे प्रैक्टिस आपकी फास्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड यूज करना है, ठीक है। ये भी आपको मेंस के पूछे हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस विथ द इन्वेस्टमेंट 35,000 एंड इतना रुपये रिस्पेक्टिवली, बी विल गेट 12.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट
फॉर मैनेजिंग देयर बिजनेस एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इनटू देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो. इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी इज इतना देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए. सेम क्वेश्चन वही है. ए और बी क्रमशः इतना रुपए एंड इतना रुपए निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं. लो ए है और बी है. इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है इनका 35,000 और दूसरा कितना है 15,000. आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट. टाइम तो यहाँ पे मेंशन नहीं दिया तो इन्वेस्टमेंट ही क्या कहलाएगा उसका प्रॉफिट. या इसको प्रॉफिट बोल लो या इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या हो जाएगा 30 से 30, 5 7 35, 5 3 15. इसी को क्या बोल सकते हैं प्रॉफिट रेशियो भी बोल सकते हैं. अब आगे क्वेश्चन में देखो ध्यान से. बी को कुल लाभ का इतना परसेंट चलाने व्यापार चलाने के रूप में प्राप्त होता है. यानी बी क्या कर रहा है मैनेज कर रहा है यानी वर्किंग पार्टनर है. बी को कितना 12.5%. 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8. यानी वो 8 हिस्सा में से एक हिस्सा किसको मिल रहा है बी को. सॉरी बी ले रहा है ना बी ले रहा है. तो देखो इधर कितना यूनिट है टोटल 10 यूनिट है क्योंकि प्रॉफिट इधर 10 यूनिट है और इधर कितना है 8 है. दोनों को इक्वल बनाने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दे 10 और 8. यानी क्या लेते हैं या तो एलसीएम ले लो 10 और 8 का. एलसीएम कितना हो जाएगा 40. 40 पे बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी. दिक्कत क्या आएगी एंसर बनेगा. मैं खुद बोल रहा हूँ एंसर आएगा ही आएगा लेकिन क्या होगा कि आपको डेसीमल में चेंज करना पड़ेगा. फाइनली डेसीमल में आएगा इसीलिए हम 40 का मल्टीपल 80. इसका मतलब होता है 8 और 10 ऐसा मल्टीपल लें जो दोनों से डिवाइड हो जाए. तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा 40. 40 का 80 भी ले सकते हो 160 भी ले सकते हो. आपके ऊपर डिपेंड है कि 40 का मल्टीपल लेना है. और ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी. 40 भी लेके करोगे आंसर बनेगा. 80 भी लेके करोगे 100 बनेगा. 160 भी लोगे आंसर बनेगा क्योंकि वो क्या होगा 40 का जितना भी मल्टीपल होगा सारे से क्या होगा डिवाइड ही होगा. तो क्यों 40 नहीं मैं लेना चाहता हूँ. 40 भी लेके बना लेना. 40 लोगे तो क्या होगा फ्रैक्शन में आएगा डेसिमल में आएगा. उसको डेसिमल को चेंज करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए हम 80 ले रहे हैं. 80 का कितना हिस्सा ए ले रहा है 1/8. तो 80 का 1/8 कितना हो जाएगा 10 हिस्सा. यानी ए 10 हिस्सा ले रहा है तो बचा कितना टोटल प्रॉफिट था 80. 80 का 10 तो ले गया ए तो बचा कितना 70. 70 को किसमें क्योंकि क्वेश्चन में कर रहा है ना बचा हुआ को किसमें बांटना है उसके निवेश के अनुपात में. उसका निवेश का अनुपात कितना है 7:3. तो बांट दिए 10 यूनिट. टोटल कितना है 10 यूनिट. 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7. तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 × 7 49 और ये कितना हो गया 7 × 3 21. यानी ए की बात करें तो ए को 49 तो यहाँ मिला ही मिला है. 10 रुपया पहले उसको मैनेज करने के लिए भी मिला था यानी 51 हो गया. और बी की बात करें तो बी को कितना मिला है सिर्फ बी को कितना मिला है 21. बी को कितना मिला है 21. बस इतना ही क्वेश्चन में था और कुछ था ही नहीं. ठीक है अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को. क्वेश्चन में कह क्या रहा है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही थी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. देखो क्वेश्चन आपको और चीज़ फंसाएगा. क्वेश्चन हो सकता है आपको फंसाए. देखो ध्यान से देखिएगा ये किसको एक सेकेंड कहीं क्वेश्चन पढ़ने में तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं. ध्यान से देखते हैं बी विल गेट पर इतना परसेंट ना ये क्या है सॉरी ये ए का नहीं है ये क्या है बी है. तो यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ. देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन में क्या था ए को 49 तो मिल ही रहा है बी को 21 तो ये मिल रहा है लेकिन 10 उसको क्या मिल रहा है क्योंकि देखो बी विल गेट एक्स्ट्रा. बी को एक्स्ट्रा मिल रहा था ना तो ये 80 का 1/8 यानी ये बी को मिल रहा है. ठीक है तो बी को एक्स्ट्रा 10 मिल रहा है यानी क्या हो गया ये 31 हो गया. अब क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन में कह रहा है बी का कुल लाभ कितना है इतना. 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6200 रुपये. एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 × 62 200. हमसे पूछ क्या रहा है ए का लाभ ए का 49 यूनिट है तो 49 × 200 9 × 2 = 18 इतना रुपये क्या हो गया ए का लाभ हो गया. ठीक है क्यों हम यहाँ पर मिस्टेक करने वाले थे क्या कि बी का दिया होता ना तो बी को एक्स्ट्रा मिला 10 यूनिट एक्स्ट्रा मिला बचा हुआ दोनों में बट गया. दोनों में बट गया तो निकल गया बी में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे. बस ये था कॉन्सेप्ट. ऐसे आप मेंस का ये भी क्वेश्चन पूछा होता आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो. परसेंटेज से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स जरूर करें कि वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं और मैथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं मज़ा भी आ रहा है कि नहीं. क्योंकि जब मज़ा आने लगेगा ना तो मेंस के भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे. थैंक यू बाय बाय. मिलते हैं हम. एक और पार्ट बचा हुआ है पार्टनरशिप का वो लास्ट पार्ट है पार्ट 9. उसके बाद हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ये भी आपको 9 पार्ट भी आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ. थैंक यू बाय बाय.